हा, फिर आ गई हूँ, ये सातों लड़कियाँ मेरे हवाले कर दो। वो एक एक करके उन लड़कियों की उम्र चुराती है। अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही तुम करना। ये कहानी हरिनगर गांव की है। हरिनगर बहुत सुंदर गांव था। वो घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था। गांव के चारों तरफ बहुत ही घने जंगल थे। उन्हीं घने जंगलों के बीच में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल अपनी गुफा में रहती थी। वो चुड़ैल हर साल गांव में आती थी और सात लड़कियों को उठाकर ले जाती थी। वो चुड़ैल सातों लड़कियों को अपने साथ ले जाकर गुफा में उनकी उम्र चुरा लिया करती थी। जैसे जैसे वो उन लड़कियों की उम्र चुराती थी वो खुद जवान हो जाती थी। उसे हर साल जवान रहने के लिए सात लड़कियों की आवश्यकता होती थी और इस तरह से वो कई सालों से जवान ही बनी हुई थी। एक साल की बात है, गांव से सभी लड़कियां खत्म हो गई थी। इस साल सिर्फ सात ही लड़कियां बची हुई थी। सभी गांव वालों को पता था कि इस साल भी चुड़ैल आएगी और सातों लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाएगी। गांव वालों के मन में बहुत ही डर फैल गया था। उन सात लड़कियों में एक लड़की का नाम मीना था। मीना बहुत ही समझदार लड़की थी। वो उन सातों में से सबसे सुंदर लड़की थी। मीना नाग देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। मीना हर रोज गांव के पास बने हुए नाग देवी के मंदिर में जाती थी और हर रोज नाग देवी की पूजा करती थी। नाग देवी के प्रति मीना की अपार श्रद्धा थी। जब मीना को पता चला कि इस बार सात लड़कियों में उसका नंबर भी है तो मीना बहुत डर गई। वो तुरंत नाग देवी के मंदिर में गई और नाग देवी की पूजा करने लगी। नाग देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गई। नाग देवी उससे बोलती है, बेटी उठो, देखो मैं आ गई हूँ, मुझे अपनी सारी समस्याएं बताओ, मैं अवश्य इनका समाधान करूँगी। मीना सारी बात नाग देवी को बताती है कि किस तरह एक चुड़ैल पूरे गांव वालों को तंग करती रहती है। वो हर साल आती है और सात लड़कियों को उठाकर ले जाती है। अगर गांव वाले उसका विरोध करते हैं तो वो गांव में तबाही मचा देती है, इसलिए गांव वाले भी चुपचाप सात लड़कियों को उसके हवाले कर देते हैं। यह सोचकर कि कम से कम एक साल तक तो गांव में शांति रहेगी, अगले साल की अगले साल देखेंगे। वो चुड़ैल हर साल सात लड़कियों को ले जाती है और वो एक एक करके सभी लड़कियों की उम्र चुरा लेती है और खुद जवान हो जाती है। नाग देवी मीना की सारी बातें सुनकर मीना को बोलती हैं, ठीक है बेटी, अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही तुम करना। यही मंदिर में छुप जाओ। अब तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा रूप धारण करके उसके पास जाऊंगी और देखती हूँ वह कितनी खतरनाक है। नाग देवी मीना का रूप धारण कर लेती हैं और सातों लड़कियों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती हैं। चुड़ैल अपने वादे के अनुसार गांव में आती है और मुखिया से बोलती है, हा, मुखिया, मैं अपने वादे के अनुसार एक साल बाद फिर आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरी सातों लड़कियां दे दो। अगर किसी ने भी मेरा विरोध किया तो मैं इस गांव में तबाही मचा दूंगी, तबाही। मुझे मेरी सातों लड़कियां दे दो, मैं उनकी उम्र चुरा लूंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। गांव का मुखिया बोलता है, नहीं नहीं चुड़ैल महारानी, हमने अपने वादे के अनुसार सात लड़कियों का इंतजाम कर लिया है, आप इन्हें ले जाइए और हमारे गांव को बख्श दीजिए। चुड़ैल बोलती है, बहुत समझदार हो मुखिया, अब लाओ ये सातों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। ये कहकर वो सातों लड़कियों को लेकर अपनी गुफा की तरफ निकल जाती है। उसकी गुफा घने जंगलों के बीच में बनी होती है और बहुत ही भयानक गुफा होती है। वो सातों लड़कियों को लेकर चुड़ैल उस गुफा के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल हवन करने लगती है। चुड़ैल का हवन जब समाप्त होता है तो वो एक एक करके सभी लड़कियों की उम्र चुराना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो एक एक करके उन लड़कियों की उम्र चुराती है वैसे वैसे वो जवान होती जाती है। इस तरह करते करते वो छह लड़कियों की उम्र चुरा लेती है। फिर वो सातवीं लड़की की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अपना जादू सातवीं लड़की पर चलाती है उस लड़की पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता। ये देख कर वो हैरान हो जाती है। वो फिर से अपने जादू का इस्तेमाल सातवीं लड़की पर करती है, परंतु इस बार भी उस लड़की पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उस लड़की को बोलती है, हाँ, बताओ तुम कौन हो, तुम पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा, बताओ बताओ वरना मैं तुम्हें अभी यहीं मार दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और वो इच्छाधारी नागिन चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल मैं तुम्हारा काल हूँ, तुमने बहुत दिनों तक इन गाँव वालों को तंग किया है पर अब बहुत हो गया,
आज मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल बोलती है, हा, आज तक मुझे मारने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ, तुम्हारी तो औकात ही क्या है, मैं अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देती हूँ। यह कहकर वो अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर करती है। इच्छाधारी नागिन भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत देर तक ऐसे लड़ने के बाद अंत में इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का जोरदार वार चुड़ैल पर करती है और चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल मरती है उसके जादू का असर खत्म हो जाता है और सभी लड़कियां फिर से ठीक हो जाती हैं। ये देखकर वो सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।